गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम संगीता। मैं M1 क्लास की शिक्षिका हूँ। अब मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आपको अ से लेकर के आपको ह तक बता दिए शब्द बनाने के लिए, जो शब्द बना किस तरह से शब्द बनता है वो आपको हम बता दिए हैं। अब ह के बाद अक्षर से बताने जा रहे हैं, अक्षर से क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। तो बच्चे शब्द बनाने में अक्षर लिखे हैं, अक्षर इस तरह से लिखिएगा और अक्षर से आपका कौन सा शब्द बनेगा। तो अक्षर से हो गया छतरी, अक्षर से क्या बन गया छतरी, और अक्षर के बाद क्या आता है त्र, त्र से कौन सा शब्द बनेगा त्रिशूल, त्रिशूल। त्र के बाद क्या आता है ज्ञा, ज्ञा से क्या बनेगा ज्ञानी, ज्ञा से क्या बन गया ज्ञानी, और ज्ञा के बाद फिर कौन सा शब्द आता है श्रा, श्रा। तो बच्चों श्रा से कौन सा शब्द बनेगा श्रमिक। तो बच्चों हम आपको ये बता दिए हैं अक्षर से लेकर श्रा तक। अब इसमें दिया हुआ जो कविता है आपको हम पढ़ करके बता देते हैं, आप भी पढ़िएगा, बुक ले लीजिएगा और बुक से देख करके आप पढ़िएगा। तो बच्चों दिया हुआ है अक्षर से, दिया हुआ है छ से क्षत्रिय वीर का हाथे, रन रन से कभी न पीठ दिखाते, और तरह से दिया हुआ है तरह से त्रिशूल जो करता वार, तीन नोक का यह हथियार, तरह से त्रिशूल जो करता वार, तीन नोक का यह हथियार। ज्ञा है, ज्ञा से ज्ञानी लोग महान, ज्ञान सभी को देते दान, ज्ञा से ज्ञानी लोग महान, ज्ञान सभी को देते दान। श्रा है, श्रा से श्रमिक का यह कहना है दिन भर मेहनत करते रहना। तो बच्चों आपको श्रा तक बता दिए हैं, और स्वर जो दिया हुआ है, स्वर में जो दिया हुआ वर्णमाला जो स्वर का है उसमें अ से अ तक दिया हुआ है, और अ से कौन सा शब्द बनेगा वो चित्र दिया हुआ है। अ से जो बनेगा, यहाँ अ से अनार है तो अ से अनार लिखिएगा, आ से आम, ई से इमली, छो बड़ी, ई से ईंट। इस तरह से आप चित्र देखकर और अक्षर देख करके उसी अक्षर से आप शब्द बनाइएगा। स्वर का भी दिया हुआ है, व्यंजन का भी दिया हुआ है, और इधर भी है व्यंजन ट से है, ट से यहाँ स्र तक दिया हुआ है, जैसे हम आपको पहले भी बता चुके थे उसी तरह से आप देख करके इसमें आप बताई बनाइएगा। यहाँ शब्द बनाना है, इसमें भी आप जो पढ़े लिख पढ़े हैं उसका यहाँ फिर से दोहराइएगा। तो बच्चों फिर हम अगले बार बताएंगे, अगले दिन बताएंगे। थैंक यू बच्चों।